तो ये लवली ने पछाड़ दिया है छुटकी को। छुटकी कौन? तारा। हमारी छुटकी का नाम है तारा। तो गाइज पता नहीं यार कौन सा मतलब फेस वॉश था, कोई जॉय कंपनी का है, तो वो मैंने लगा लिया और यहाँ देखो ये मतलब फेस तो फुंसी पहले वगैरह जॉय निकल वाली गया, ठीक है तो आपके। पूरे फेस पे ना उस फेस वॉश की वजह से जो है घाव निकल गया है, पूरा खराब हो गया फेस, मतलब फुंसी। वैसे तो मैं लगाता ही नहीं और लगाया हूँ तो देखो क्या हाल हो गया। तो दिन के 12 बजे हुए हैं और अभी अभी मैंने देखा कि बच्चों ने बताया उनका रिजल्ट आया है। हमारे घर में भी एक 12th का बच्चा है तो उसका भी रिजल्ट देख लेते हैं। आप यहाँ भैया के पास आते हैं। भैया क्या कर रहे हो? न्यूज़ देख रहा हूँ यूट्यूब पे। ओ भाई न्यूज़ देख रहे हो? एक नया तगड़ा न्यूज़ आया है, वो तो क्या देखो। चीज़? पहले ट्वेल्थ क्या? का रिजल्ट आ गया है। अच्छा, क्या कर हाँ रही है? हाँ भाई सत्यम, 12वीं का लौंडा है ना तू, रिजल्ट नहीं देखना? तो तुम जल्दी क्या लगता बैडमिंटन है रोल नंबर वगैरह तैयार है? हाँ। भाई साहब क्या सोच रहा है बे फादर निकालो का? तेरे इसका। को वो याद है सत्यम कि तूने क्या कहा था? ये सिर्फ इसका वो याद है मैंने तेरे कहा को? था कि मैं पास चलो हूँ। पहले नाइन इसका ट्वेल्थ निकालते बी हैं, एड इससे टेंथ ट्वेल्थ मेरी दोनों आ मेरी चुका है। इससे शर्त हुई थी ना। दसवीं बारहवीं दोनों का रिजल्ट आ गया यार। हाँ दोनों का आ गया है। सत्यम भाई फटाफट अपना एडमिट कार्ड लेके आ, दिखा एडमिट रोल कार्ड नंबर ला, बता, एडमिट रोल कार्ड नंबर अभी बता। निकालते तेरा। 26-70 2670 3-9 3-9 9-2 सत्यम क्या लगता है पास हो जाएगा? हाँ पास तो हो जाऊंगा धक यार। धक हो रहा है लाए। हाँ हो तो रहा है। शर्त याद है? हाँ याद है कि मैं पास हो जाऊंगा तो दीदी 500 रुपये देंगी, अगर मैं फेल हो जाऊंगा तो दीदी को मेरे को 500 रुपये देना पड़ेगा। हाँ मेरे को लगा दोनों में कह रहा भाई है कितना दीदी सिंसियर देंगी। रहा है ना, वही लेकिन देखे। तो। चल अच्छा ले भाई रिजल्ट चल आ भाई गया, पिंकी देखते हैं रिजल्ट रिजल्ट। खुल गया। खुल गया क्या है रिजल्ट? देख भाई सत्यम भाई के गया ओ भाई गया साहब गया गया रिपीट गया गया, गया। किसमें रिपीट आया है? पॉलिटिकल साइंस में बंदा जो है 15 नंबर लाया है ओ 70 में तेरी। से और प्रैक्टिकल में 17। ले भैया हो गया कंपार्टमेंट आई सत्यम भाई। सत्यम भाई क्या लग रहा है तेरे को? कब तो गया तेरा काम, कंपार्टमेंट आ नहीं गई तेरी? ऐसे तो हो नहीं सकता, आ आज तो ले देख जरा देख लेते हैं अपना रिपास। रिजल्ट, देख ले पहले फिर देख तेरे ले से बात पहले, करते। देख रहा है रिपीट इन थियरी लिखा मैं है। तो 500 का वेट कर रही हूँ अपने। याद है कि नहीं क्या तेरी हाँ शर्त जो थी? याद है मेरे तो सत्यम अपनी शर्त हार चुका है और शर्त के मुताबिक पांच सौ सत्यम को रुपये पांच देना। सौ रुपए जो है वो पिंकी को देना पड़ेगा। हमने जो लास्ट वीडियो में देखा था ना, लास्ट ब्लॉग में पर आप लोगों यार ने देखा होगा दुखी हो जाओ कि भैया तुम ये जैसे था। बेचारे भाई के देखो लिए, मैैं तो दुखी नहीं हूँ, मेरा क्योंकि दिल भाई क्यों देखो मुझे अगर ये पूरा लगेगा ना कि बंदे ने मेहनत की है और तब नहीं मुझे आया यकीन तो था दुख इस पे होगा, लेकिन इस बंदे ने मेहनत नहीं की है एकदम से। और कह रहा था क्या ओवर कॉन्फिडेंट कि भाई हाँ मैं तो ऐसे ही पास हो जाऊंगा, देख लो ओवर सत्यम भाई यही कॉन्फिडेंट। दिक्कत है, देख ले मेहनत की होती तूने तो थोड़ा होता ना सही, गड़बड़ है। अब चलिए आप 500 रुपये तो उसको देने पड़ेंगे अब जैसे तैसे जो भी हाँ भाई करेगी। जुगाड़ करो। भाई कहीं जाए और चाय ना पिए ऐसा कैसे हो सकता है? तो सबसे पहले चाय पियेंगे और तब निकलेंगे, और बाहर जो है भाई धूप बहुत तगड़ी हो रखी है। इधर तो मम्मी ने कपड़े डाल रखे हैं, तो आपको बालकनी से मैं दिखाता हूँ। ये है हमारे वहाँ का माहौल, धूप ही धूप चारों तरफ धूप। सो दिल्ली का टेम्परेचर जो है ना, और क्या आप एक्सपेक्ट करते हो भाई, पेड़ काटोगे तो, बट मेरे यहाँ पे पेड़ बहुत हैं। हमने जो है गलियों में काफ़ी पेड़ लगा रखा है, 1-2 सामने 3, इधर देखो एक बहुत बड़ा सहतूत का पेड़ है। अरे उसको घसीट क्यों रहे हो भाई? लवली को हमने जब से जो है ना बाल कटवा दिए, गर्मी की वजह से बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही थी और ये खुजाती रहती थी, और हमने इसको बेचारी को कटवा दिए तो अब उसकी वजह से उदास रहती है कि मेरे बाल कहाँ गए, बहुत प्रॉब्लम होती। तो गाइस अब जैसे ही मैं निकलने वाला था तो वैसे ही तुरंत ऑर्डर आ गया है पूरी सब्जी का और फिर एक चाय का। तो पहले मैं सब्जी बना रहा हूँ थोड़ा सा, क्योंकि सब्जी खत्म हो गया था, तो हम लोग ना तुरंत ताज़ा ताज़ा रेडी करते हैं एकदम से आलू की सब्जी को, और 4 पूड़ियाँ बनेंगी और फिर पैक करके दे देंगे और फिर निकलेंगे अपने टूर पे जहाँ हम जा रहे थे। तो पहले बनाते हैं सब्जी और फिर पूड़ी। तो चाय भी रेडी हो चुकी है, और चाय को देखिए हम किस तरीके से पैक करते हैं ताकि ये गर्म रहे 4 घंटे तक, जो कि ये रहता नहीं है, सिर्फ ये 1 घंटे 1.5 घंटे तक ही रह पाता है। सुभाष भाई ने डाल दिया इसको, एक और घंटे तक हाँ 1 घंटे तो रह जाता है भाई। और चाय पूरी सब्जी और सब पैक हो गया है, और राइडर जो है वो नीचे वेट कर रहे हैं। तो ये है राइडर, यहाँ पे खाना जो है हमने दे दिया है, हैंड ओवर कर दिया। चल भाई सुभाष चलते हैं। क्या हो गया, क्यों झगड़ रहे हो आप दोनों? बोतल ला के दे दिए खाली वाला, क्या कर रहा है? ठंडा है कि नहीं है?
ये क्या गर्म पानी दिया हुआ है तेरे को? ठंडा मांगेगा तो सुबह गर्म ही दिया है ना, मिक्स कर उसमें, मम्मी को चाहिए। क्या नॉर्मल वाले की एक बूंद भी मत डाल दिया उसमें। इसका एक नाम है, अब तक समझ नहीं आया कि क्या रखा जाए। अच्छा नाम रखो, ठीक है, बबली टबली मत रख देना। नहीं, इसका नाम बबली रखा जाएगा। एक हमारी लवली और एक बबली, और पता लगा कि ये बुली नहीं है क्योंकि ये पिटबुल है। आज मालूम चल रहा है आपको कि ये बुली नहीं है, ये पिटबुल है। हाँ भाई, पिटबुल तो पिटबुल है, खुद नहीं पता मैं कौन। तो पहुंच गए हम लोग यहाँ पे, इसका नाम है कॉस्टिफाई इंडिया। तो यहाँ क्या है ना कि पुराने डीप फ्रीजर, फ्रीजर, एसी वगैरह सब कुछ मिलता है। तो हमारे भैया ने एक दुकान शुरू की थी, जिस दुकान के लिए उन्हें डीप फ्रीजर की ज़रूरत थी। तो एक 300 लीटर का डीप फ्रीजर उन्होंने पसंद कर रखा है, तो हम बस उसे बस यहाँ से ले जाने के लिए आए थे। तो बीच में मैंने कहा चल भाई सुभाष, और भी फ्रिज है यहाँ पे, देख लेते हैं एक बार, कुछ कुछ क्या पता पसंद आ जाए। सुभाष भाई, ये जगह कब तक बची हुई थी तेरे हाथ पे से? देखा नहीं था ये जगह, शुभम के हाथ से बची हुई तो ये वाला फ्रिज देख रहे हैं 13,000 का है, ठंडा है, ठीक है, मस्त है। तो भाई ये फ्रिज जो है ये मार्केट में मिलता है 2,80,000, 79,000, और 1,10,000 का इनका प्राइस है। अभी सुभाष, सुभाष को तो छूने से भी डर लग रहा है। नहीं, छूने से डर लग रहा है मेरे को, भैया बोल रहे हैं ये ले ले। मैंने इसका 2,80,000 प्राइस देखा, मैं कहा इतने में तो लामपुर में जमीन ले लूँगा। देखो खुलने में भी कैसे खुल रहा है, ये क्या है, बोतल दे रखा है अलमारी की तरह, इसमें तो पूरा ऑर्डर आ गया। नहीं, सुभाष को हर जगह ऑर्डर सुनाई देते हैं, ऑर्डर की आवाज़ है। ये इसको तो खोल दिया, अब यहाँ से भी खुलता है। स्पीकर दे रखा है, LED TV दे रखी है, वहाँ एक बटन टाइप का है भाई दबाने का, देखो इसको वो भी नहीं दब रहा। दिखा दिखा दिखा, मैं दबाता हूँ, दबाने का नहीं है, ऐसे खींचने का ना, यहाँ पे बीच से मैंने ऐसे किया था, बस बीच से लगाना था। ऐसा लग रहा है एक बार खुलता है एक दिन में, ऐसा खुल जा सिंह 100 सालों में। अरे वहाँ कुछ था दबाने का, देखो हमसे खुल भी नहीं रहा अभी। ए फ्यू मोमेंट्स लेटर, चलो तो फाइनली खुला एक साल बाद। ये पता नहीं इसमें कुछ रखेंगे तो यहाँ से निकलेगा, नीचे से यहाँ से ये जग निकलता है ढाबे वाला, इसमें भी फिल्टर करने का अलग से है क्या? कुछ भी वो फिल्टर करने का इसमें। सवाल भाई, ऐसी चीज पहली बार देख रहे हैं ना? अगली बार देखूंगा, अगली बार नहीं देखेगा, मन भर गया मेरा, करे जमीन अब नहीं रहना यहाँ। नीचे क्या इसमें भरने को सामान क्या है? 800 लीटर का है ये, और चालू नहीं है, प्लग नहीं लगा, पर मेरे को ठंडक आ रही है इसकी वजह से। ऐसा देख के कहाँ जा रहा है सुबह छुपने, कहाँ जा रहा है? वहाँ पे उसने पकड़ लिया मैडम ने, 2,00,000 की फ्रिज कह रही आपका लेने का, मैंने वहाँ का 35,000 की स्कूटी पे आया हूँ सेकेंड हैंड वाली, भाई साहब EMI पे देने को तैयार है अगले की, मतलब हाफ पेमेंट कर दो, 60,000 का दे दूंगी, उस पर लिखा 1,00,000 का दे रही है 60,000, मैं पूरा तैयार हो गई थी देने, मैं तो खोपचा ढूंढ रहा हूँ आपको। कहाँ छुपो, सुबह देख फ्रिज देखते हुए पकड़ा गया, बता फ्रिज देखते हुए। सुभाष इस बंदे को पकड़ के लाया दिखाने के लिए, दोनों मिलके कंपेयर कर रहे हैं फ्रिज को कि ये फ्रिज नहीं लिफ्ट लग रहा है। भाई यहाँ पूरे में पंखा भी नहीं भाई, बहुत गर्मी है कसम से, देखो पूरे में कहीं नहीं लगा पंखा। हमने जो है फाइनल करी है भाई ये फ्रिज, डीप फ्रिज, कितने लीटर का है भैया ये? 200 के 300, 300 लीटर का फ्रिज। अभी दिखा रहे थे 55,000 रुपये में फ्रिज, अगर बिना वारंटी के लेते हो, और 60,000 का अगर उसकी वारंटी लेते हो तो। मैंने पता है क्या चुना, मैंने फ्रिज ना लेना चुना जिसमें मतलब 1 रुपये भी ना लगे मेरे। भाई ये बंदा जिस रिक्शे वाले को लाए थे बोर हो गया, ये टीवी चलाने में लगा हुआ है, इसको सुभाष ने कह दिया इसमें टीवी चलता गेम है, चलता है। क्या खेल रहे हो भाई इसमें? चल रहा है निकाल के ले चलते हैं, चलना वीडियो एक और बना लाते हैं भाई। इसका एक क्वेश्चन था कि इसके पीछे फ्रिज है, ये फ्रिज भी है और पानी का इस्तेमाल भी होगा, आगे स्क्रीन है खराब तो नहीं हो जाएगा? अंदर क्या झांक के देख रहा है, वायरिंग चेक कर रहा है क्या, केबल लगाएगा भाई? फ्रिज में चल रहा है टीवी,
सुभाष भाई पसंद तो कर लिया है, फ्रिज और सब कुछ हो गया, सारा फाइनलाइज हो गया। उसके बाद मालूम चला कि जो रिक्शा लेकर आधा घंटा बैठा था वो बंदा बोर हो गया, उसने इतने गाने सुन लिए, वहाँ पे मूवी देख ली उस एंड्रॉइड टीवी में। उसके बाद जब लोड होने की बारी आई तब उसको पता चल रहा है कि उसमें आएगा ही नहीं। बेचारे का बड़ा टाइम वेस्ट हुआ है बेचारे ने। ऐसे हमें भी मन था कि मतलब कम से कम 50 रुपए तो जरूर देने चाहिए थे उसको, लेकिन खुले भी नहीं थे तो क्या ही करते। उसका आधा घंटा का समझ लो 20 रुपए देते वक्त ही नहीं लग रहा था कि देना चाहिए। चलो कोई नहीं, इतना कम तो नहीं बनता था। अगला बंदा ढूंढते और कोई रिक्शा वाला। अगर आप देख रहे हो, जो भाई आए थे, अगर आप देख रहे हो तो भाई माफ कर देना, हमें दिल से तो नहीं किया ऐसा, गलती से हो गया। तो बड़ी मुश्किल से अब एक दूसरा रिक्शा लेके आए हैं, और ये रिक्शा जो है ना ये बस लोड करने वाला रिक्शा है सामान का। तो फ्रिज जो है हमने उसी से लोड करवा दिया और फिर उसको ले करके निकल पड़े अपनी दुकान की तरफ। तो भाई काम कभी ख़त्म नहीं होते, और ख़ास करके छुट्टी का दिन कैसे खाली हो सकता है। तो भैया का काम कराने के बाद हम लोग नर्सरी आ गए थे जहाँ पर मुझे कुछ प्लांट्स लगाने थे। तो मैंने सुबह से कहा भाई देख गर्मी बहुत है, छत पर ना एकदम हरियाली उगा देते हैं। तो उसके लिए हम लोग यहाँ पे पौधे सेलेक्ट करने आए, ये कुछ पौधे हमने लिए भी हैं। तो करीबन 10-12 पौधे हमें यहाँ से ले जाना है घर पर और दे करके फिर निकलते हैं यहाँ से। तो व्लॉग अगर हम लोग करना चाहें तो बहुत लंबा हो जाएगा ये, लेकिन हम लोग यहीं पर इस व्लॉग को अब रोकेंगे। तो आप लोग देख रहे हैं कि भाई ये बबली भी काफ़ी बड़ी हो गई है और सीख गई है खाना पीना सब कुछ, और मम्मी का तो बहुत अच्छे से बनता है इसके साथ। अपना सेरेलैक सीख गई है कि कहाँ रखा होता है और कहाँ पर रखा जाता है खाने के लिए, तो बस रेडी रहती है। तो आज के लिए तय रखते हैं इस व्लॉग में, मिलते हैं आपसे अगले व्लॉग में। और अगर व्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए।